Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य देव की कथा में श्री कृष्ण चैतन्य देव की कथा में आप सबका स्वागत है। और कल से कथा समय सर शुरू होगी, तो टाइम की सूचकता रखिए। तो वृंदावन दास ठाकुर जो श्रील व्यास देव हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चरित्र चैतन्य मंगल में लिखा, अर्थात चैतन्य भागवत में लिखा। और बाकी शेष जो बचा वो कई आचार्यों ने लिखा। और यहाँ हम आज उनमें से एक आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके हस्तकमल से लिखी हुई श्री चैतन्य चरितामृत का पान करेंगे, आदि लीला पहला अध्याय गुरुजन। तो आज हम गुरुजन चैप्टर का निरूपण करेंगे और हो सके तो दूसरा अध्याय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी करेंगे। तो ये आदि लीला ये चैतन्य चरितामृत है, 17 अलग अलग ऐसे वॉल्यूम अर्थात भाग है, पुस्तक है 17। और ये सबसे पहला पुस्तक आदि लीला। तो ये आदि लीला समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी उसमें चकरा जाते हैं। जब मैंने भी पहली बार पढ़ी तो जस्ट पढ़ लिया, समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप सब जैसे परिपक्व हो जाओगे इस कौन में हरे कृष्ण संस्था में, तो आपको ये आपो आप आपके हृदय में चैतन्य चरितामृत स्फुरित होगी। यस्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कथयिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। यस्या देवे देव श्री कृष्ण
यस्या देवे पराभक्ति, शुद्ध भक्ति, परम भक्ति, उतनी ही भक्ति, यस्या देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, उतनी ही भक्ति गुरु में हो जाए तो सारे शास्त्र हमारे हृदय में आपो आप प्रकाशित हो जाते हैं। तो आपके हृदय में भी ये चैतन्य चरितामृत स्फुरित होगी, लेकिन कंडीशन है यस्या देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी श्री कृष्ण में पराभक्ति, शुद्ध भक्ति, परम भक्ति, वैसी ही वैसी ही अपने गुरु में पराभक्ति हो तो चैतन्य चरितामृत और सारे शास्त्रों का निचोड़ जो चैतन्य चरितामृत है आपके हृदय में प्रकाशित होगी। तो ये प्रथम चरण, प्रथम श्लोक सुंदर श्लोक है। ये श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वंदे गुरुन ईश, वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम अंश अवतारका अवतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संनकम। तो कृष्णदास कविराज पहले 14 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं और ये 14 श्लोक से ही सारी चैतन्य चरितामृत बनी है। जैसे परिभाषा होती है तो परिभाषा डेफिनेशन का विस्तार सारी किताब बन जाती है, उसी तरह ये प्रथम 14 श्लोक परिभाष श्लोक है। परिभाषा के ऊपर परिभाष्य भाष्य वो ग्रंथ बनता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 2 परिभाष श्लोक हैं पहले ही शुरुआत में ही, एक परिभाष डेफिनेटिव डेफिनेशन परिभाषा के रूप में पहला श्लोक है वदन्ति तत्वविदं तत्वं यद् ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। सत्य एक है, वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रूप में प्रकाशित होता है। एक ही सत्य वो है ब्रह्म, ब्रह्मवादी निराकारवादी वगैरह, ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति परमात्मा, हृदय में जो 4 हाथ वाला विष्णु स्वरूप ये परमात्मा है, और भगवान इति सभ्यते भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव, तो भगवान इति सभ्यते ये डेफिनेशन है तत्व की। वदन्ति तत्व, तत्व का अर्थ है एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्य, सत्यम परम धीमहि, उन सत्य के पर मैं ध्यान करता हूं। तो सत्य
वदन्ति तत्वविदं तत्वम्। तत्व मतलब सत्य, तत्व का अर्थ है सत्य। और दूसरा परिभाष सूत्र है श्रीमद् भागवत का, एते च अंशः कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और एते अंच, एते से अंच अंश, पहले मैंने जो सब अवतार की कथा कही, अवतारों का वर्णन किया, 24 अवतार 12 अवतार जो भी, तो वो अवतार अंश है या अंश का अंश है। एते च अंश कलापुंसा, या कला है, किसकी कला है, किसके अंश है, किसके अवतार है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण के ये सब अवतार है। और ये अवतार क्यों आते हैं, इंद्र आदि व्याकुलम लोकम, जब देवी देवताओं को दुख आता है, व्याकुल हो जाते हैं, तो मृदयन्ति युगे युगे में, युग हर युग में देवताओं की सहायता करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ये अवतार ही है, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार ही है, अवतार नहीं है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये परिभाष सूत्र के रूप में दो श्लोक पर सारा भागवत, सारी भागवत की कथा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसी तरह ये चैतन्य चरितामृत में पहले जो 14 श्लोक हैं, ये श्लोकों पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारी चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। तो यहाँ वंदे गुरुन ईश में ये मंगलाचरण कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मंगलाचरण कर रहे हैं, पहले प्रणाम कर रहे हैं किसको, गुरुन, गुरुओं को, गुरु गुरुओं को, आगे बताएंगे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वर्तमान प्रदक्षिका गुरु, चेत गुरु। तो गुरुन बहुवचन, प्लूरल नंबर, प्लूरल नाम, गुरुन मैं गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरुन ईश, और ईश को मैं प्रणाम करता हूँ, इसका अर्थ है ईश्वर, कृष्ण, परमेश्वर, ईश, परम ईश, परम ईश्वर, परमेश्वर। तो मैं ईश, गुरुन और ईश, और तीसरा भक्तान, और मैं भक्तान ईश, ईश के भक्तों को, वैष्णवों को, श्री कृष्ण के भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्तान ईश अंशम, भक्तान ईशम ईशावतारकान, ईशावतारकान अर्थात ईश के अवतार, श्री कृष्ण के अवतार,
उन सब अवतार को मैं नमस्कार करता हूँ। तत्प्रकाशांश च, और उन ईश के प्रकाश अर्थात कला या कला की कला या पोर्शन ऑफ अ पोर्शन या प्रकाश, वैभव प्रकाश, विलास, स्वयं स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, दोई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे व्रजे कृष्णा गोपमूर्ति। सो दो रूपे श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, स्वयं रूप और स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, और दूसरा प्रकाश उनके पोर्शन, उनके अंश के अंश के अंश या कला के कला के कला, उनको बोलते हैं प्रकाश। तो दो ही रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे व्रज, ये हमारा व्रज वृंदावन है 100 किलोमीटर की दूरी पर, स्वयं रूपे व्रजे कृष्णा गोपमूर्ति, व्रज में कृष्णा गोप जो हैं व्रज में वो स्वयं है भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं रूपे हैं, स्वयं प्रकाश नहीं है, अवतार नहीं है, स्वयं प्रकाश नहीं। तो कृष्ण अवतार कान अवतार तत्प्रकाशान च, और अवतार और विस्तार वैभव प्रकाश, भगवान के अवतारों का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, कभी समय होगा तो ये भगवान के अवतारों का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग प्रकार क्षणावट करेंगे। तत्शक्ति, भगवान कृष्ण की शक्ति है, राजा शक्ति के बिना राजा नहीं होता, राजा लश्कर की शक्ति, प्रधान मंडल की शक्ति, एडवाइजर शक्ति, तो इसी तरह कृष्ण भगवान उनकी शक्ति राधा रानी अहलादिनी शक्ति, दुर्गा अम्बा सत्या सावित्री, ये सब भौतिक जगत की शक्ति, भौतिक जगत को कंट्रोल में रखने वाली शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, पार्वती शक्ति, घर घर में शक्ति, ये भगवान की शक्ति है। तो तत्प्रकाशांच तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संगनकम, और आदि भगवान साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य को सादर प्रणाम करता हूँ। मंगलाचरण का पहला श्लोक सरल है ना, समझ में आया ऐसा है ना कि नहीं है, समय हो तो सारी चैतन्य चरितामृत ऐसे हम कथा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे दो किताब 7 दिन में आपको समझानी है, ठसानी है यहाँ। और दूसरा श्लोक है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोन्दुतो तमोन्दु तमोनुदो तम अनुदो। वंदे मैं सूर्य तथा चंद्रमा स्वरूप
श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज दिगंत पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। तो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितो सह, मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को वंदन करता हूँ जिनके साथ नित्यानंद सह उदित नित्यानंद के साथ सूर्य चंद्र की भांति उदय हुए हैं, साथ एक साथ उदय हुए हैं होराइजन पर, क्षितिज पर। कौन सी क्षितिज, कौन से देश? गौड़, गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोन्दतो तमोन्दो। तो गौड़ देश का अर्थ है बंगाल से लेके बिहार से लेके उत्तर प्रदेश भाग और साउथ में आंध्र प्रदेश तक, ये सारा गौड़, सारा सारे देश को गौड़ देश बोलते हैं। हिस्ट्री है गौड़ देश की। तो एक प्राइम मिनिस्टर भी थे गौड़ से करके ना, कोई था ना प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था उनका? देव गौड़ा, गौड़ा। तो सारा एक गौड़ देश के हैं, सारा गौड़ देश। और एक गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और वहाँ भक्ति का प्रचार किया, इसलिए इनको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। गौड़ देश, द्रविड़ देश, साउथ में द्रविड़ देश, और द्रविड़ देश के ऊपर गौड़ देश बंगाल की ओर। तो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रोसंदो तम, ये दोनों सन और मून, सूर्य चंद्र क्यों उदित हुए? सारे जगत का तम अंधकार अज्ञानता दूर करने के लिए। उनका कोई दूसरा अवतार लेने का कारण नहीं था, मुख्य कारण तमो, आम जनता का अंधकार दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पंचतत्व उदित हुए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस श्लोक आपको कंठस्थ करना होगा। ये सारे श्लोक मैं आपको कहता जाऊंगा, वो अगले साल तक आपको कंठस्थ करना है श्लोक, ठीक है? नंबर नोट कर लो बस, बाद में आपको मिल जाएगा सब कुछ। और तीसरा श्लोक है, यद दैत्वम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुबा य आत्मांतर्यामी पुरुष इति सो स्यांस विभवः सदैश्वर्यः पूर्णो यह भगवान से स्वयं अयम न चैतन्यत् कृष्णात् जगति परतत्वे परमिह। सो जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वो चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण। कृष्ण चैतन्य को उपनिषद में क्या कहा गया है? ब्रह्म, निराकार भगवान का स्वरूप ब्रह्म। और उनके शरीर का
तेज मात्र है और जिस जो ब्रह्म है वो कृष्ण के शरीर का तेज है, जिनको उपनिषद भगवान कहते हैं वो ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा प्रभा तेज है, जिनको निराकारवादी ध्यान करते हैं ज्ञान से समझते हैं वो ब्रह्म। तो ये ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण का तेज, तो उनको ब्रह्म कहते हैं उपनिषद। बड़े बड़े ज्ञानी प्रखर विद्वान लोग शंकराचार्य चारों आचार्य चारों शंकर ब्रह्मवादी हैं और बहुत कड़ी तपस्या कड़ा नियम पालन करोगे ज्ञान लोगे उपनिषद पढ़ोगे संस्कृत तभी आपको ब्रह्म क्या है पता चलेगा, भगवान नहीं पता चलेगा। ब्रह्म जो भगवान का तेज है, भगवान का तेज। तो ये ब्रह्म भगवान का शरीर का तेज है और जिस भगवान को परमात्मा के रूप में जाना जाता है वह उनका अंतर्यामी अंश मात्र है। परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश मात्र है। चार हाथ वाला जो स्वरूप है भगवान का हमारे हृदय में वो क्या है? भगवान का अंश है। वह उनका अंतर्यामी अंश मात्र है, वे छहों ऐश्वर्यों से युक्त है। भगवान श्री चैतन्य कृष्णा छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। छह ऐश्वर्य कौन से? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य सड़भग इति गणा। ये छह ऐश्वर्य युक्त साक्षात भगवान कृष्ण है, वे परम सत्य है, साक्षात भगवान कृष्ण है। छह ऐश्वर्यों से युक्त, छह ऐश्वर्य बताए देते हैं। छह ऐश्वर्य है ऐश्वर्य अर्थात धन राशि सारी भगवान कृष्ण की है, लक्ष्मी पति लक्ष्मी के पति हैं भगवान कृष्ण। ऐश्वर्य से समाग्रस्य, समाग्रस्य का संपूर्ण, समाग्र का अर्थ है संपूर्ण लक्ष्मी भगवान कृष्ण की है। ऐश्वर्य से समाग्र वीर्य वीर बल, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा और कोई बलवान नहीं। वीर्य से यश यश कीर्ति, भगवान कृष्ण की कीर्ति ये ब्रह्मांड में नहीं भौतिक जगत में नहीं आध्यात्मिक जगत सब जगह कृष्ण की संपूर्ण कीर्ति। ऐश्वर्य से समाग्र से वीर्य से यश श्रिय, भगवान कृष्ण से सुंदर और कोई नहीं। उनका नाम है श्याम सुंदर, कोई सांवला है तो सुंदर नहीं भी हो सकता लेकिन ये सुंदर है श्याम सुंदर। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, श्रेय और ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान वेदों का ज्ञान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान। वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम्।
वेदों को रचने वाले वही, वेदों को जानने वाले वही, संपूर्ण ज्ञान। वैराग्य, भगवान श्री कृष्ण वैरागी हैं। इतनी सारी गोपियां के बीच में भगवान सदैव ब्रह्मचारी रहे, ये दुर्वासा का आख्यान है, समय है नहीं, लेकिन गोपियों को दुर्वासा मुनि ने कहा, गोपियों ने कहा कि नदी कैसे पार करें, भगवान ने कहा अगर कृष्ण सदैव ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। कृष्ण ने कहा गोपियों को, स्टोरी बता देता हूँ, इसमें मजा नहीं आएगी। दुर्वासा मुनि ब्रज में आए, विश्राम घाट के सामने वाले किनारे, वहाँ उनका आश्रम है। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए गोपियों को कहा कि आप ये सारे व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन आप दुर्वासा मुनि को अर्पण करके आओ। तो यमुना दोनों काठे में पहाड़ पुर, कैसे यमुना को क्रॉस करें? तो भगवान को कहती हैं, हम कैसे जाएं, जाना चाहती हैं, आपका आपकी आज्ञा है, लेकिन कैसे जाएं? तो भगवान कहते हैं, यमुना को बोलो कि अगर श्री कृष्ण सदैव ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। तो यमुना के पास गई, कहा, यमुना ने रास्ता दे दिया, उस पार गई। तो दुर्वासा मुनि का सब व्यंजन दिए, दुर्वासा मुनि ने खाए, और बाद में गोपियां कहती हमें वापस जाना है, हम कैसे जाएं? तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, अगर यमुना को बोलो कि अगर दुर्वासा सदैव भूखे हैं, या तो व्रत करते हैं, या तो अन्न नहीं खाते हैं, उपवासी हैं, उपवास, तो हमें रास्ता दे दो। तो यमुना ने रास्ता दे दिया। सो ये भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, ऐश्वर्यों से युक्त साक्षात भगवान कृष्ण हैं, वे परम सत्य हैं और कोई नहीं। और उससे बड़ा कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, मंगलाचरण। और वही कृष्ण सत्य सत परम तत्व, ये याद रखना, दो शब्द हम बहुत बोलेंगे ये 14 श्लोकों में, सत्य और तत्व एक ही चीज है, और वो है कृष्ण। यो माम वेत्ति तत्वतः, तत्व से जानना भगवान कृष्ण को। तो कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही सत्य है, और वो सत्य श्री कृष्ण ही सड ऐश्वर्यों के मालिक हैं, और वही ब्रह्म उनका निराकार स्वरूप है, और परमात्मा उनका अंश का अंश है। ये श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, मंगलाचरण प्रणाम करता हूँ। चौथा श्लोक, तो वो सत्य, वो भगवान, वो कृष्ण कुछ कारणों वशात चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया या आए या ऐसा नहीं, विज्ञान से हम देख सकते हैं, यहाँ
तो विज्ञान से हम देखेंगे कि वही कृष्ण, वही सत्य, वही तत्व अगर अनगिनत अवतारों में आ सकते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में क्यों नहीं आ सकते, तो हम देखेंगे। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का मंगलाचरण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये श्लोक, सबको कंठस्थ करना ही पड़ेगा। चौथा श्लोक, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतरिण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियाम हरिपुरात सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वै सचिनंदन। अनर्पित चरिम चिरात, अनर्पित जो पहले अर्पित नहीं किया गया, आम जगत को पहले नहीं दिया गया, अनर्पित चरिम चिरात चीरकाल तक अनर्पित रहा, चीरकाल तक ये जो रहस्य है चैतन्य महाप्रभु लेके आए वो किसी अवतार ने नहीं दिया, न किसी आचार्यों ने दिया, न किसी सामान्य मनुष्यों ने दिया, और कुछ अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतरिणो कलौ करुणावसात श्री कृष्ण कलयुग में अनर्पित चीज देने के लिए प्रकट हुए। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतरिणो कलौ कलयुग में अवतरित हुए। और क्या अनर्पित था और क्या दिया, तो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम, समर्पयितुम दे रहे हैं, दिया उन्नत उज्ज्वल रसम उन्नत उज्ज्वल रस अर्थात मधुर रस, माधुर्य रस, उन्नत उज्ज्वल रस माधुर्य रस। माधुर्य रस का अर्थ है पति पत्नी में जो प्रेम होता है वो मधुर होता है, और वो रस को मधुर रस कहते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो रस होता है, प्रेम होता है, वो मधुर रस है। अर्थात स्त्री या पुरुष, स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम, पुरुष पुरुष में भी प्रेम होता है, स्त्री स्त्री में भी प्रेम होता है, माँ बाप में भी प्रेम होता है, बेटे बाप बेटे माता प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम कहते हैं उनको। और पुत्र पिता के बीच में वात्सल्य प्रेम, और दास्य सेवक मालिक के बीच में प्रेम होता है, उसको दास्य प्रेम के दास्य रस कहते हैं, सख्य रस। सख्य रस मित्र मित्र के बीच में प्रेम होता है, उनको सख्य रस कहते हैं, सख सखा
तो उन्नत उज्ज्वल रस अर्थात माधुरी रस एक ही चीज है दोनों। इस पर्यावाचिक वाचक शब्द जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं कि पर्यावाचिक शब्द है, एक ही शब्द है। तो उन्नत उज्ज्वल रस वो स्त्री पुरुष पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको बोलते हैं मधुर रस। तो ये मधुर रस गोपियों का श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम था वो प्रेम किसी ने प्रमोट नहीं किया। ब्रह्म ब्रह्म निराकार निराकार 99% 90% निराकार है ना प्रमोट सबने। और कई आचार्यों ने शून्य शून्य में क्या कोई गुण है नहीं शून्य में। और शून्य बुद्ध बुद्ध भगवान आए सारे भारत को तो उसमें उन्नत उज्ज्वल रस नहीं है। भगवान के साथ हमारा सबसे ऊंचा प्रेम रस कईयों ने पैरेंटल या तो वात्सल्य रस दिया वात्सल्य रस की प्रधानता कई आचार्यों ने दी। कृष्णा सबके घर है गोपाल लाडू गोपाल तो ये तो कईयों ने दिया पहले लेकिन माधुर्य रस मधुर रस कहाँ है। वात्सल्य रस दिया और वात्सल्य रस माधुर रस के आगे निम्न है। क्यों निम्न है इतनी पराकाष्ठा प्रेम में नहीं होती। मधुर रस में जो पराकाष्ठा एक पुरुष स्त्री के साथ स्त्री पुरुष के साथ जो रस का आस्वादन करते हैं वो बाप बेटा पुत्र पुत्र माता उनके बीच में जो रस होता है प्रेम होता है उससे माधुर्य रस उत्तम है ऊपर है। क्यों कि उसमें तीव्रता ज्यादा है तीव्रता ज्यादा है। सख्य रस अर्जुन सखा और कृष्ण तो उनमें भी सखा सखा के बीच में इतना प्रेम गाढ़ता नहीं लेता जितना स्त्री पुरुष में लेता है। तो शांत रस दास्य रस और दास्य कोई सेवक स्वामी है कोई सर्वेंट है कोई मालिक है तो उनमें भी प्रेम होता है लेकिन वो पराकाष्ठा नहीं जो मधुर रस की पराकाष्ठा है। तो ये मधुर रस आप देखोगे पहले कृष्ण की सेवा चैदेव माधवेंद्रपुरी उनके गुरु के पहले खाली कृष्ण लड्डू गोपाल या रणछोड़ राय उडुपी कृष्णा अकेले कृष्णा राधा रानी साथ में आपको नहीं मिलेगी। राधा रानी साथ में नहीं मिलेगी माधुर मधुर आपको नहीं मिलेगा वहां अकेले कृष्ण मैं दास कृष्ण मेरे स्वामी। और कई आचार्यों ने मुक्ति का प्रचार किया कि ये भौतिक जगत दुखदाई है यहां से मुक्ति लो भागो। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम दीयमाणाम न गृणन्ति विना मत सेवना जना। मुक्ति मेरे भक्त लोग मैं देता हूँ फिर भी मुक्ति मेरे भक्त लोग नहीं चाहते। मेरे भक्त लोग कृष्ण कह रहे नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते भक्तों को चाहिए भगवान का सान्निध्य भगवान के सान्निध्य में उनकी सेवा
भगवान की सेवा। तो मुक्ति में स्पेशली साहिज्य मुक्ति श्री कृष्ण के में मिल जाना, ज्यादातर लोग के क्या ध्येय है भक्ति का, मिल जाना कृष्ण में, मिल जाना, हमें मिलना नहीं है। उसमें आपको क्या रस आएगा, एक बन जाओगे तो रस मिट जाएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए तो अवतार लिया, इसलिए तो उतार लिया कि दो, और दो भगवान और भक्त प्रेम का आदान प्रदान करेंगे तब तो रस का आस्वादन होगा। साहिज्य मुक्ति कोई रस का आस्वादन नहीं होगा, न सेवा का आस्वादन होगा। तो उन्नत उज्ज्वल रस मैं समय इसलिए आपका ले रहा हूं कि सही ढंग से आपको चैतन्य चैतन्य महाप्रभु कौन है ये आपको सही ढंग से जस्टिफाइड कर सके। हम इसीलिए स्लो जा रहे हैं, सारा 17 वॉल्यूम है ऐसे, लेकिन जब फाउंडेशन बराबर सॉलिड हो जाएगा बाकी का तो भागना है, भागेंगे हम। लेकिन पहले सॉलिड फाउंडेशन। तो उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियाम, उन्नत उज्ज्वल रस ये चैतन्य महाप्रभु देने हैं। अनर्पित चरिम चिरात, चिरकाल तक अनर्पित ये रस रहा, उन्नत उज्ज्वल रस लंबे समय तक किसी ने नहीं दिया। तो समर्पयितुं दे रहे उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियाम, ऐश्वर्य युक्त जो भक्ति है वो भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने आम जनता को दी। कलयुग में वे कलयुग में अपनी अहितु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य कोई अवतार प्रदान नहीं कर सका, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। तो बहुत सीधी सी बात है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है कि अभी तक चैतन्य महाप्रभु के अवतार तक हमें मुक्ति किसी ने दी, किसी ने लाडू गोपाल दिया, राधा रानी नहीं दी साथ में, कृष्ण मधुर रस राधा रानी के साथ नहीं दिया, गोपी के साथ कृष्ण की उपासना नहीं दी, गोपियों के साथ कृष्ण की उपासना अर्थात माधुर्य रस। हमें गोपी भाव से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, मधुर भाव से नहीं दिया, मुक्ति दी। ज्यादातर 99% निराकार ओ वगैरह और अंदर ध्यान करो किसका, प्रकाश या तो शून्य या बिंदी या सम डिफरेंट। और अभी भी मूर्ख लोग अभी भी तरह तरह की उपासना करते हैं, मूर्ख इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं अब जानंती माम मूढ़ा, भगवद गीता कृष्ण खुद कह रहे हैं मूढ़ लोग मेरी अवगणना करते हैं। अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्न मूढ़ा, वह अव्यक्त से मैं कृष्ण व्यक्त बना, ऐसा मूढ़ लोग जो अज्ञानी मूढ़ लोग हैं वो मुझे कहते हैं। भगवद गीता का श्लोक है, आप सब मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्न कृष्ण कह रहे हैं मूढ़ा मूढ़ लोग मुझे क्या। तो ये सब निराकारवाद सारा
मूढ़ लोगों के लिए, निराकार भी भगवान कृष्ण ही है। मैंने कहा ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, निराकारवाद ये भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा प्रभा तेज है, ये निराकारवादी। और आरुह्य कृच्छेन परम पदम पतंति अध, और निराकार में कोई रस का आस्वादन नहीं है, इसलिए फिर से वो पतंति अध, वो ब्रह्म ज्योति में से उनका पतन होता है। ब्रह्मवादी शास्त्रों में अनंत उदाहरण है कि ब्रह्मवादी निराकारवादी भक्त बने, लेकिन भक्त निराकारवादी बना कोई शास्त्रों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। चतुर कुमार निराकारवादी ब्रह्मवादी, तुलस्याम सुगंध, तुलसी की सुगंध, विष्णु भगवान के चरणों के तुलसी की सुगंध और भगवान के दर्शन, और निराकार ब्रह्मवाद छोड़ दिया और भक्त बन गए, और ये वैष्णव संप्रदाय कुमार संप्रदाय बना उनका। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म में स्थित 16 साल तक के 12 साल जो भी हो 12 साल तक अपनी माता के उदर में ब्रह्म में लीन, और जैसे जन्म हुआ भागे और संग और के साथ भागे, कोई साफ सफाई नहीं हुई, भागे, माया पकड़ लेगी और बैठ गए जंगलों में ब्रह्मनिष्ठ होके ब्रह्म में ध्यान। तो व्यासदेव के शिष्य, ये भी कथा है लंबी, लेकिन उनके शिष्य जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन का बयान का श्लोक सुनाते हैं। हाँ बोलिए। बरहा पीड़ा नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासो कणक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रण वेणु सुदया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यं सपद रमणं प्रावृषद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं उनके कानों में, ब्रह्म में लीन है, निराकार में लीन है, और भगवान का वर्णन, बरहा पीड़म जिनके सर पर मोर मुकुट है, बरहा पीड़म नटवर वपु जिनका वपु विग्रह नटवर है, और कर्णियो कर्णिकारम करैन के फूल से कान सुशोभित है, कर्णियो कर्णिकार विभ्रद वासो कनक कपिशम पीताम्बर पहना हुआ है, रंध्रण वेणु अपने हाथ के हाथ में वेणु है, और वेणु पूरयन गोप वृंदे वेणु को अपने होठों से पूर रहे फूक रहे बजा रहे, रंध्रण वेणु अदर सुदया और गले में वैजयंती माला है। अपने वृक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, श्रीवास का चिन्ह है, गोल्डन हेयर। तो ऐसे श्री कृष्ण रंध्रण वेणु अधर सुदया अधर अधरों से होठ से पूरयन गोपवृंद बंसी को पूर रहे हवा से, और उनके ग्वाल मित्र उनकी कीर्ति का गान करती है कर रहे हैं। सुना है श्लोक,
अरे ये किसका वर्णन है, ये किसका बयान है, तुरंत जाग उठे समाधि में से। और बाद में श्रीमद् भागवत कथा सारी कृष्ण। तो निराकारवादी श्री कृष्ण भक्त बने इसे अगणित उदाहरण है। लेकिन भक्त कभी निराकारवादी बना, ओमवादी बना, शून्यवादी बना, ब्रह्मवादी बना, परमात्मावादी बना, ऐसा सुना नहीं। क्यों? उन्नत समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम स्वभक्तिम श्रिया समर्पयितुम। ये भक्ति पेशली माधुरी रस, उन्नत उज्ज्वल रस, जिसमें प्रेम जिसमें रस की पराकाष्ठा है, रस की पराकाष्ठा है, स्त्री और पुरुष के प्रेम में रस की पराकाष्ठा है। और उसमें भी अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो पति पत्नी में जो प्रेम है उससे भी तीव्रता ज्यादा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसको पराकिया रस बोलते हैं रस शास्त्र में, पराकिया रस। पराकिया रस से व्रजेते प्रचार। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी जो रस है उनमें भी अगर विरह में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए बॉयफ्रेंड फ्रेंड कह रहा हूँ, जो भी हो क्या बोलते हैं हिंदी में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, हिंदी में क्या बोलते हैं? एक एक ओनली एक डॉक्टर, ओके थैंक यू वेरी गुड। प्रेमी प्रेमिका, वो पति पत्नी का जो प्रेम की पर जो तीव्रता है उसमें भी ज़्यादा, प्रेमी प्रेमिका में प्रेम की तीव्रता ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा तीव्रता प्रेमी और प्रेमिका को मिलने में बाधाएं जो आती हैं तो उससे विरह होता है एक दूसरों का, उसमें प्रेम और बढ़ जाता है। तो उसको बोलते हैं विप्रलंब, विप्रलंब, विप्रलंब और पराकिया माधुर्य रस। देखो भगवान श्री चैतन्य देव ने क्या दिया, वो प्रेम की पराकाष्ठा। गोपियों गोपी श्री कृष्ण से की प्रेमिकाएं, यहाँ प्रेमिकाएं हैं, गोलोक वृंदावन में तो कृष्ण की ही है, लेकिन यहाँ वो रस देना था इसलिए यहाँ श्री कृष्ण गोपियों से विरह में रहे, क्योंकि वो प्रेम का आस्वादन करना था। मैं आपको इसलिए समय ले रहा हूँ शुरुआत में, ठीक है, मैं इसलिए समय ले रहा हूँ कि ये चैतन्य चरितामृत अगर आपको समझनी है तो ये समझना होगा, भाग दौड़ नहीं चलेगी। तो उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियाम, तो विरह में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में, राधा रानी के बीच, राधा रानी और कृष्ण के बीच में राधा रानी की ननद, राधा रानी की सास, राधा रानी सब कुछ बीच में आता है कृष्ण और राधा रानी के बीच में। तो ये विरह की वेदना बढ़ जाती है, प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाती है। तो वो रस का आस्वादन करने के लिए वो उन्नत उज्ज्वल रस है। और सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वही सचिनंदन, वो सचिनंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये उन्नत उज्ज्वल रस सारे संसार को दिया, राधा रानी को इंट्रोड्यूस किया, गोपियों को इंट्रोड्यूस किया, और हमें उन गोपियों का भाव दिया
हमें गोपी बनाए और कृष्ण के साथ गोपी भाव से वो प्रेम से भक्ति का आदान प्रदान, भक्ति प्रेम देना प्रेम लेना, तो ये कितना ऊंचा रस, भक्ति रस। तो ये चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए। तो राधा कृष्ण प्रणय विरक्ति विकृति, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्तिर अस्मात् देकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ चैतन्याख्यम प्रकट आधुना तद अद्वयम च ऐक्यम आप्तम आप्तः राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपकम। उन कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, नवमी नमस्कार करता हूँ, कृष्ण स्वरूपकम, जो कृष्ण के रूप में है। तो राधा कृष्ण प्रणय विरक्ति, राधा और कृष्ण का प्रणय प्रेम, माधुर्य भाव माधुर्य रस, प्रणय विरक्ति व्यापार व्यापार, प्रणय प्रेम व्यापार, राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार, भगवान की आलादिनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण भिन्न है, एको हम सृष्टि से पहले कृष्ण एक ही थे और कुछ नहीं था, एको अहम अहम एवासम एवाग्रे नायत नायत सत असत परम। सृष्टि से पहले मैं ही था एक, तो अगर अकेले हैं आप तो रस का आस्वादन कैसे करोगे? आपको आपके 50 गज 500 गज की कोठी में आप अकेले, बच्चे नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, आप अकेले, कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, कोई नहीं, और आपको सब कुछ दिया जाए, जो भी चाहिए, सोने का सब कुछ दिया जाए आपको, अकेले कितना आनंद आएगा, आएगा आनंद। तो ये है कि श्री राधा कृष्ण एक हैं, एक थे। यद्यपि राधा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने को अनादिकाल से पृथक रखा है। तो वो कृष्ण दो बनते हैं, एक राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण एक ही हैं, राधा रानी कृष्ण है, कृष्ण राधा रानी है, वो दोनों अलग नहीं है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मनावपि भुवि, एकात्मना दोनों एक हैं, भुवि पूरा देह भेदम गतंतव, किंतु उन्होंने अपने को अनादि काल से पृथक कर रखा है। दोनों एक है लेकिन अनादि काल से राधा और कृष्ण दोनों पृथक अलग कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप फिर से श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। तो पहले एक थे, बाद में दो बने और बाद में फिर से एक बने, ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण एक बन गए, तो ऐसा क्यों?
ये आगे हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे ऐसा क्यों, लेकिन अभी सिनप्सिस थोड़ा सा समझौता दे देता हूं कि जब एक है तो रस का आस्वादन नहीं होगा, तो दो बने और वो भी राधा। अगर कृष्णा फीमेल काउंटर पार्ट स्त्री बने तो वो कोई ऑर्डिनरी स्त्री नहीं हो सकती, वो खुद राधा रानी खुद कृष्ण है। उनके सौंदर्य, उनका लावण्य, उनका प्रेम, उनका सब कुछ असीम मात्रा में, असीम मात्रा सौंदर्य, लावण्य, सखियां, अनंत सखियां, करोड़ों नहीं, खरबजो अबजो सखियां नहीं, ये राधा रानी है, वैभव, राधा रानी का वैभव। तो वो कृष्ण दो बने, कृष्ण राधा रानी बने, और भौतिक जगत में जो प्रेम है जिसे हम लस्ट काम कहते हैं, स्त्री पुरुष के बीच में जो काम है, वो काम आध्यात्मिक जगत में वो ही काम वही काम का रूपांतर, रूपांतर नहीं, वो प्रेम का, वो आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, प्रेम जिसका रूपांतर यहां, जिसका रूपांतर यहां काम के, काम में होता है, प्रेम का रूपांतर यहां क्या होता है, काम, लस्ट, जिसे हम सेक्स भी कह सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम है, लस्ट नहीं। तो राधा और कृष्णा प्रणय विरक्ति आह्लादिनी शक्ति अस्मात्, प्रणय विरक्ति आह्लादिनी शक्ति, प्रणय विरक्ति प्रेम विलास। तो इसके लिए दो बने भगवान, और बाद में क्या हुआ झलक आपको बताता हूं, डिटेल में आगे जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का अंतरंग गुही अंतरंग कारण है, क्या है कि कृष्ण को राधा रानी इतना प्रेम करती है कि उनकी कोई सीमा नहीं, और कृष्ण को प्रेम करने में राधा रानी इतना रस का आस्वादन करती हैं, जैसे मधुमक्खी मधु को कमल के फूल में आस्वादन करने के लिए तन्मय तद्रुप, उसी तरह वो कमल बिड़ भी जाता है, बंद हो जाता है, फिर भी मृत्यु हो जाता है उनका, फिर भी रस में तल्लीन। तो उसी तरह राधा रानी उन कृष्ण के प्रेम में बहुत अनगिनत मात्रा में आस्वादन, रस का आस्वादन करती है, आनंद लुटती है, आनंद विभोर। तो कृष्ण को इच्छा हुई कि राधा रानी मेरे प्रेम में कितना रस आस्वादन, आनंद आस्वादन करती हैं, मुझे वो आस्वादन करना, मुझे वो आस्वादन करना है। इच्छा है, भगवान इच्छा कर सकते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं तो भगवान भी कर सकते हैं। तो भगवान ने इच्छा की कि राधा रानी मेरे प्रेम में उन्नत उज्ज्वल रसम, और यहाँ राधा कृष्ण प्रणय विकृति, प्रणय प्रेम की विकृति, प्रेम का विलास, प्रेम का आस्वादन,
तो ये प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण को इच्छा हुई, राधा रानी मेरे प्रेम में कितना सुख कितना आनंद करती है, कितना आनंद का भोग करती है। हरे कृष्णा।